मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी बर्फी है जिसका स्वाद काफी सारे लोगों ने चखा है। आई मीन फिल्मों का स्वाद, आपकी फिल्मों का स्वाद काफी सारे लोगों ने चखा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो आपके फैंस है जो बर्फी का स्वाद चखते आए हैं आपका? मैं क्या बोलूँ, तूने कभी चखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं चखा। तो फिर किसी ने नहीं चखा है। और अगर बर्फी की बात करें तो हाँ, ये बड़ी स्वीटी नहीं मसालेदार फिल्म जो 14 सितंबर को रिलीज़ है, हो रही है, तो यही चाहूँगा कि लोग इस फिल्म को चखने आए और कुछ ना कुछ अलग टेस्ट लेकर जाए अपने साथ। डॉक्टर से ऑलरेडी बता दिया था आपने किस तरह के एक्टर हैं आप, अपना कैरियर अप्रूव कर चुके थे, ठीक है। अब बर्फी भी मतलब उस तरह से थोड़ा ऑफ बीट टाइप रोल है, तो क्या नहीं, बर्फी बिल्कुल ऑफ बीट नहीं है। बर्फी सिर्फ गूंगा बहरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हीरो नहीं बन सकता। वैसे ऐसे एक अलग किस्म का हीरो है, बट जब आप फिल्म देखोगे तो ये कोई एक्सपेरिमेंटल पिक्चर नहीं है। हाँ, ये इसका फॉर्म बदला है, लेकिन जो इसका कंटेंट है, जो उसकी कहानी है, वो एक हिंदी फिल्म की कहानी से जुड़ी हुई है, जैसे हमारी हिंदी फिल्म्स होती है। रणबीर, क्या मीडिया की को लेकर जो आपकी सोच है वो थोड़ी बदल चुकी है पिछले कुछ सालों में, जब से रिपोर्ट्स जब से आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा छपता है, तो क्या मीडिया को लेकर सोच बदल चुकी है? नहीं, शायद मैं भी गलत था, शायद मैं यंग था, नादान था, अब नहीं हूँ। अब ज़्यादा ध्यान फिल्मों में जा रहा है मेरा, और यही मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे फिल्मों से जाना जाए, और जो मैं किसी के साथ डिनर कर रहा हूँ या किसी के साथ मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ उसके बारे में नहीं लिखा जाए। तो मीडिया के बारे में मेरा कभी कोई बुरा परसेप्शन नहीं था, तेरे बारे में था, अभी तक है, लेकिन मीडिया मुझे बहुत पसंद है। रणबीर, आपके ट्रेनर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर की आज भी आप शर्ट ऊपर करके देखेंगे तो उनके सिक्स पैक्स बने हुए। हाँ, बने हुए, लेकिन तू इतनी खूबसूरत लड़की नहीं है कि मैं तेरे को उठा के तेरे को अपनी शर्ट दिखाऊँ। तो रणबीर जो है कि एक्शन फिल्म कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने ये बॉडी बनाई है, ऐसा भी कहा गया? नहीं, ना मैं एक्शन कर रहा हूँ ना मैंने बॉडी बनाई, मेरी बॉडी सावरिया से सेम ही है। मेरे लिए बॉडी बनना का मतलब यह है कि मैं हेल्दी रहूँ, फिट रहूँ। अगर तो मुझे मारने की कोशिश करें, मैं तुझे ज़मीन में गाड़ दूँ, वो मेरे लिए हेल्दी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़े मसल्स बनाऊँ या यू नो हर मौके में शर्ट ऊपर करके सिक्स पैक्स दिखाऊँ। रणबीर, टेल अस अबाउट दिस, की बर्फी को लेकर कितने लोग जो है डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे, इस बर्फी के कितने दीवाने हो जाएंगे? नहीं, ये शुगर फ्री बर्फी, तो डायबिटीज़ नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ एक कॉमेडी पिक्चर नहीं है, एक ड्रामा भी है। ये ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी, और शायद आपको मजबूर कर देगी कि आप ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखें। लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि सलमान कैंप माना जाता है, शाहरुख कैंप माना जाता है, तो ऐसे कुछ 5 सालों बाद देखें या 2-3 सालों बाद देखें तो रणबीर कपूर का भी कैंप है? कहा जा रहा है कि रणबीर अर्जुन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, वरुण के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो मिलकर एक अर्जुन वरुण अभी फिल्म में डेब्यू कर रहा है, रणबीर है, इमरान है, शाहिद है, प्रतीक है, रित्या रॉय कपूर है, ये सब हम एक पीढ़ी के एक्टर्स हैं। वी ऑल आर फ्रेंडली, जब भी हम मिलते हैं, हमको टाइम मिलता है मिलने के लिए, तो हम फुटबॉल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। मैं अर्जुन और वरुण को बचपन से जानता हूँ, तो ऐसा कोई कैंप बनाने की कोशिश नहीं है। लेकिन जब मैं कैंप बनाऊँगा, हमारा एक दुश्मन होगा और वो होगा कुणाल फ्रॉम जूम। और लीडर कौन होगा रणबीर कपूर? लीडर तो पता नहीं, लेकिन तू हेटर होगा, सबसे ज्यादा जो हेट करेंगे वो तुझे हेट करेंगे। वेल रणबीर, थैंक्स फॉर हेटिंग मी सो मच। चल, एनी टाइम कुणाल। Hi everyone, this is Neha Dhupia and remember to subscribe to the YouTube channel of Zoom TV.